हेलो एवरीवन, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सर्कल यानी कि ब्रीथ। इसको कहते हैं ब्रीथ। ये रहा हमारा ब्रीथ। ये वृत्त का मध्य बिंदु है। एक वृत्त पर मैं बता दूं कि अनेकों त्रिज्याएं हो सकती हैं। ये एक लाइन है, ये पूरा जो है यहां से यहां तक की दूरी व्यास कहलाता है। ये हो जाएगा हमारा व्यास, ठीक ना। और यहां से यहां तक की आधी दूरी यानी कि व्यास की आधी दूरी हमारा हो जाएगा त्रिज्या। त्रिज्या एक वृत्त पर अनेकों त्रिज्याएं हो सकती है। यहां से यहां तक पूरी दूरी फुल लंबाई ये हो जाएगा व्यास। यहां से यहां तक की पूरी लंबाई व्यास, यहां से यहां तक की पूरी लंबाई व्यास। ये त्रिज्या, 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 इनके एक वृत्त पर अनेकों त्रिज्याएं हो सकती है। उदाहरण के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल, साइकिल का पहिया में जितने भी रिंग है वो एक वृत्त के त्रिज्या के समान है। एक वृत्त पे अनेकों त्रिज्याएं हो सकती है। तो इसको इरेज कर दे। मान के चलिए इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त का, वृत्त की परिधि होता है, वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा। टू पाई आर, तो हो जाएगा हमारा 2 × 22/7 गुना त्रिज्या कितना है आर, 6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा 22 × 44, 44 6 के 24 के 4 2